वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर अकैडमी सिमरन जोत सिंह। तो वीडियो स्टार्ट करने तो पहला मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, जिन्होंने भी मेरी वीडियो जिन्होंने पसंद आती है प्लीज़ उन्होंने लाइक तो कमेंट जरूर करया करो कि तुम्हें किदा की लगी। तो जिन्होंने हाले तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसक्राइब कर दियो मेरा चैनल एंड नाल बैल आइकन भी दबा दियो ता जो मैं जो भी कोई नवी वीडियो पाव तो तुहाडे कोल नोटिफिकेशन आ जाए। अज तो बाद मैं अपनी जी वीडियो है मैं पंजाबी विच कंटिन्यू करूँगा बिकॉज मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स है जेडे वो पंजाबी लैंगुएज बड़ा ईजीली समझ लेंगे है। सो दैट्स वाई उन्होंने मैंने रिक्वेस्ट भी की सी कमेंट सैक्शन के कई व्यूअर्स ने। सो इसलिए अज तो बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारिया जी वीडियो पंजाबी बनावा। जे फिर भी किसी कोई प्रॉब्लम आती है या समझ नहीं आती है तो तुम मैं कमेंट सैक्शन पूछ सकते हो, आई विल कन्वर्ट दैट इन टू हिंदी और इंग्लिश। ओके, तो अज आप कंटिन्यू कर जा रहे हैं अपना टॉपिक आफ्टर 3.5 जी आप 10th क्लास का कर रहे थे टॉपिक 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी अपनी। सो नैक्सट है जरा टॉपिक इक्वेशन रिड्यूसीबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स। यदा मीनिंग की है कि इक्वेशन कुछ ऐसी होंदिया ने जिड़िया कि ऑलरेडी पहला टू वेरीएबल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होंगी, जिवें कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल लिखी है ये देखो अपने को नॉर्मल इक्वेशन कि 2x + 3y = 13 इदा होंगी ना, एक्स नाल हों मल्टीपल इस की है डिवाइड ने दोनों एक्स एक्स भी तो वाई वाई भी। सो इन्हों की है पहले आप सही करना मतलब कि इन्हों नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की फॉर्म कन्वर्ट करना है तो किदा करा। फर्स्ट ऑफ ऑल जी पहली इक्वेशन है उन्होंने आप लिखा 2 × 1/x। ये मैं सिर्फ हूँ लिख रहा वा जिमें जिमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना फिर तुम इदा अलग लिख के दिखाने की लड़ नहीं, जस्ट सीधा तुम पुट करना शुरू कर दोगे। हाले फिलहाल मैंने इदा लिख के दिखाना पेगा तुम्हें, मतलब आप लिख सकते हैं 2 × 1/x। ओके, क्योंकि 2 × 1 = 2, 2/x फिर जरा वही चीज़ बन सकती है। इस तरीके दूसरी वाली आप जो 3 × 1/y लिख सकते हैं अगे 13 आ गया। ठीक है, इस तरीके जी सैकेंड इक्वेशन है उन्होंने भी लिख सकते हैं 1/x − 4 × 1/y = −2। ओके, आ चीज़ होगी। हुण देखो मैं ये चीज़ भी देखनी है कि दोनों च उपर थले जी इक्वेशन सेम चीज़ आप मतलब कि अलग ब्रैकेट च कढ़ी है 1/x उपर भी 1/x थले 1/y उपर 1/y थले तो सेम जी चीज़ दोनों चुनी चाहिए क्योंकि आप इन्हों पुट करना हूँ। सो आप कहना लैट 1/x आप लैट कर लिया यू तो 1/y वी, जिते जिते 1/x है उसकी जगह यू लिख देना, जिते 1/y है उत्थे वी लिख देना। सो वी गैट सानू की मिलिया पहली इक्वेशन किदा होगी 2 × 1/x की जगह यू आना चाहिए तो इतने आ जाएगा 2u + 3v = 13। ये होगी साड़ी पहली इक्वेशन। दूजी 5u − 4v = −2 ये होगी साड़ी दूजी इक्वेशन। ओके, आ हो गया। हुण इहनूं आपां जिहड़े मर्जी अपने को तीन मैथड ने, सबस्टिट्यूशन मैथड है साडे कोल, एलीमिनेशन मैथड है साडे कोल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड है, किहड़े भी तीन मैथड दे नाल तिन्नां चों किसी भी एक मैथड दे नाल आपां इहनूं सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं एक तुहानूं सॉल्व करके दिखाना भी आपां दोबारा फिर एक्चुअल च कढ़नी है तां एक्स ते वाई दीआं वैल्यूज़ ने ना आपां भावें पुट्टण नूं यू ते वी कर लिया साडे कोल आण गईआं यू ते वी दीआं वैल्यूज़, फिर आपां उहनूं एक्स ते वाई च किद्दां फाइंड आउट करना है वह मैं तुहानूं दसदा। पहलां नूं आपां इहनूं सॉल्व करिए। फर्स्ट इक्वेशन दे मैं यू वाले दोनों कोफिशिएंट्स दा मैं एलिमिनेशन मेथड ना सॉल्व करन लगा बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो एदा 2 है एदा 5 है, मतलब सेम नहीं है के कोफिशिएंट, सानू की चाहिए सेम चाहिए कोफिशिएंट, कितना आएगा 2 ते 5 दा एलसीएम 10, मतलब कि दोनों नु दोनों इतने भी 10 चाहिए सू इतने भी 10 चाहिए। सो पहली इक्वेशन से 10 कितना आएगा जो 2 × 5 ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूसरी इक्वेशन से फर्स्ट जो यू का कोफिशिएंट 10 किमें आएगा जो इनू 2 ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली इक्वेशन नू करिए मल्टीप्लाई विद 5 तो दूसरी इक्वेशन नू करिए मल्टीप्लाई विद 2 तो दोनों माइनस कर दीजिए माइनस साइन है। ठीक है, सो पहली इक्वेशन 5 ना मल्टीप्लाई करते जाओ 5 × 2 = 10u बन जाएगा। थोड़ा साइड तक करके लिख लें जगह नहीं बचनी फिर 10u फिर तो सारी इक्वेशन को 5 नॉर्मल करना आप 5 × 3 = 15 = 13 × 5 करना होना 13
ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 10 × 5 = 50 ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ 5 × 3 = 15 ਹੁੰਦਾ। 50 + 15 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? 65। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 65 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, 5 × 10 ਮਾਈਨਸ 4 × 8 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 × 4। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਆ ਕੱਟੇਗੇ, 15 + 8 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5, 20 ਤੇ 23 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? 69। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 69/23 25, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ 23 ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮਸ, 23 × 3 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 69 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤੋ 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 3। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪੁੱਟ ਇਨ 1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 2u + 3 × 20 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 3 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 13। 2u + 3 = 9 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 13। 9 ਉੱਤਰ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2u = 13 - 9। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, 2u = 13 ਜੋ 9 ਗਏ 4। ਸੋ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ u = 4/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਕੀਤੇ ਮੈਂ, ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 2 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, ਬਟ ਆਪਾਂ ਯੂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1/x ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ? 1/x। ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 2। ਸੋ 2 = 1/x, ਐਕਸ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਮਲਟੀਪਲ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਸਟ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ। x = 1/2, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 1/2। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣਾ? 1/y, ਅਤੇ ਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ? 3 = 1/y, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 1/3। ਆ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਰੀਏਬਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਕਰੀਨ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, 5 ਅਤੇ ਇੱਥੇ 6 ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਦੇਖੋ x-1, ਇੱਥੇ ਵੀ x-1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਪਰ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ 3 ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰਸ ਦੇਖੋ, y-2, ਇੱਧਰ ਵੀ y-2। ਸੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, 1/that thing। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 × 1/x-1। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 1/y-2 ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ 6 × 1/x-1 - 3 × 1/y-2 = 1। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਫ, 1/x-1 ਅਤੇ 1/y-2 ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ 1/x-1 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਲੈ ਲਓ, ਐਤਕੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਲਓ ਚਾਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ। ਹੁਣ ਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ 3 ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੀ
प्लस क्यू, क्योंकि वन पाए वही चीज़ ना कला, तो आ ही जाएगा तो कला क्यू ही आ जाना है ना, इज इक्वल टू टू। दूसरी इक्वेशन च सिक्स पी प्लस माइनस थ्री क्यू इज इक्वल टू वन। सो अपनी इक्वेशन आ गई। सौखा तरीका की है, देखो क्यू के वेरीएबल सेम कर लो, सिर्फ उपर वाले थ्री ने मल्टीप्लाई करना पैना वा, प्लस माइनस ऑपोजिट साइन तो पहले ही है। सो दस्ट की करेंगे, एलिमिनेशन मैथड यूज करेंगे, माइनस करने की लड़ नहीं पैनी क्योंकि ऑपोजिट साइन तो पहले ही ने। सो जस्ट उपर वाली इक्वेशन वन थ्री ने मल्टीप्लाई करना है ताकि क्यू वाले जो कॉफिशेंट सेम हो जाए, तो जस्ट ऐड कर देंगे अपने आप ही कट्टे जाने ऐड द बोथ इक्वेशन है ना। तो पहली इक्वेशन दूजी इक्वेशन, पहली इक्वेशन किया जस्ट थ्री ना मल्टीप्लाई, या फिर इतने लिख दो तो या फिर नीचे लिखी जाता जो आप सॉल्व कर लगते हैं, इतने लिख लो वैसे बाय एलिमिनेशन मैथड। सॉल्व कर दो पहला, जो मैथड लिख दोगे तो बहुत वधिया, नहीं लिखोगे तो वैसे तो सॉल्व करोगे पता लग जाता वा कि कहड़ा मैथड यूज किया गया वा, बट लिख दोगे तो बैटर है। बाय एलिमिनेशन मैथड फर्स्ट इक्वेशन कल ने मल्टीप्लाई किया आप थ्री ना, दूजी किसी ना भी नहीं करना क्योंकि दूजी का पहले ही थ्री है, इन्ना ही चाहिए अपन। सो पहली इक्वेशन किया थ्री ना मल्टीप्लाई, पहले देखो फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन पी प्लस थ्री क्यू। सो करना की सोच इन्हों आप ऐड करना सी ना, मैं माइनस का साइन पाता गलती ऐड करना है क्योंकि ऑपोजिट साइन पहले ही ने, सो ऐड ही करने का फायदा। थ्री क्यू प्लस इक्वल टू उस तो बाद थ्री टू जार सिक्स, पूरी इक्वेशन में जेडे नंबर ना पमेंट है पूरी इक्वेशन करी दूंगा वा, कदे नहीं है करना सिर्फ इनू करता इन्हें दोनों ना किया गलत हो जाएगा कम। नैक्सट दूजी इक्वेशन आप छेड़े ही नहीं, ऐसी रहेगी है कर की रहे आप ऐड कर रहे हैं तो साइन भी चेंज नहीं होंगे, जो साइन माइनस करते हुए फिर साइन चेंज होंगे। सो जस्ट की होएगा दोनों कैंसल, फिफ्टीन प्लस सिक्स कि हो जाएगा ट्वेंटी वन पी, तो सिक्स प्लस वन सैवन ई इज इक्वल टू सैवन बाय ट्वेंटी वन, सैवन थ्री ट्वेंटी वन होंगे ना, वन बाय थ्री आ गया पी। ओके हम आप इदा ही क्यू की वैल्यू क्ढनी है, सौखी कि लग रही है पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन पुट कर पुट इन वन फाइव इंटू वन बाय थ्री, पी की वैल्यू वन बाय थ्री बनी ना, प्लस क्यू इज इक्वल टू टू। तो इन्होंने हम कटिंग का होना नहीं, फाइव बाय थ्री हो जाएगा, फाइव बाय थ्री प्लस क्यू इज इक्वल टू टू। सो क्यू इज इक्वल टू फाइव बाय थ्री जाके माइनस आ, ठीक है हम ए थले का कुछ नहीं है वन ना, मतलब तो इन्हें एलसीएम की होगा नीचे थ्री आ जाएगा, थ्री टू जार सिक्स मतलब इदा ही होंगे थ्री टू सिक्स, फाइव वन का फाइव ए भी आ गया अपना किन्ना वन बाय थ्री, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। हूँ क्डा आप इतों वैल्यू क्डा कि चली, ठीक है हम आप इतने लिखा बट पी इज इक्वल टू वन बाय एक्स माइनस वन, पी की सी वन बाय एक्स माइनस वन, सो पी पी की वैल्यू तो नहीं आई वन बाय थ्री, इतने पुट करा वन बाय थ्री इज इक्वल टू वन बाय एक्स माइनस वन। सब तो सौखा तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई वन ना हो जाएगा इधर थ्री ना, थ्री इंटू वन क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन इक्वल टू थ्री आ जाएगा, माइनस वन उधर प्लस आ जाएगा, एक्स की वैल्यू फोर आ गई। इस तरीके वो भी कर लेंगे दूजी वैल्यू भी, क्यू कितना सीगा वन बाय y माइनस टू है ना, u की वैल्यू कितनी आई वो भी वन बाय थ्री आई सी, इन्होंने भी करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा y माइनस टू इज इक्वल टू थ्री, और टू माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो एक ही बन गया y इज इक्वल टू थ्री प्लस टू, मतलब कि y की वैल्यू कितनी आ गई फाइव, ये लिख लेना जगह घट होने करके मैं उसे खत्म कर देता। सो वाई की वैल्यू फाइव आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फोर, तो वाई की वैल्यू फाइव। सो आ एक होर टाइप होगी थोड़े को है ना, वो तो पहला सिंगल सेगा एक्स से वाई वन बाय एक्स वन बाय वाई, हूँ वन बाय एक्स माइनस वन वन बाय एक्स वाई माइनस टू इदा आ गया, तो इनू भी तुम इदा लिख लो
ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 19 ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਅਪ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਅਪ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਸਭ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਡਾਊਨ ਪਹਿਲੀ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਅਪ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਓਕੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਬੋਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਪ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਪ ਸਟ੍ਰੀਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ 20 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਐਕਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਬੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬੋਟ ਦੀ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਐਂ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਖੜੇ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਬੋਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਬੋਟ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਘਟੇਗੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਪੀਡ ਘਟੇਗੀ ਕਿੰਨੀ ਘਟੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਪ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੋਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਨ ਦਾ ਬੋਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੈਨ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਬੋਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਐਕਸ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਐਟ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਟ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਆਫ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਖਾਈ ਜਾਣੇ ਆ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ 4-4 0 ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਾਵੇ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਟ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਟ ਜੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਪਲੱਸ ਸਪੀਡ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਵਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਟ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ 'ਚ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਟ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੋਟ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੋ ਸਪੀਡ ਅਪ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਚੋਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ
माइनस कर दिए, एक्स माइनस वाई अपस्ट्रीम मिलेगी, तो डाउन स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, एडेड एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ऊपर हम सानू क्या किया, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 30 किलोमीटर ऊपर गई 44 किलोमीटर थले नू आई, ठीक है। कितनी देर से टोटल टाइम लग गया उन्हें, 10 घंटे ऊपर ते थले जा ऊपरों जाके थले मुड़न तक का टाइम टोटल उन्हें कितना लग गया, 10 आवर्स। सो आप लिखांगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट टी वन इज द टाइम टेकन अपस्ट्रीम एंड टी टू इज द टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम। आप मान लेने टी वन ऊपर जाने का टाइम टी वन लग गया, थले आने का टी टू लग गया, क्योंकि सानू दोनों का टाइम नहीं पता, सानू टोटल टाइम पता है, ठीक है। सो देखो आपां नूं इन्ना भी पता है, आपां केस वन दे अंदर जाने हैं, केस वन वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हुण अपस्ट्रीम दी आपां गल करदे हां, अपस्ट्रीम दी स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई, सो अपस्ट्रीम वाला की होएगा, अपस्ट्रीम वाले केस विच आपां की लिखांगे, स्पीड कितनी होदी, एक्स माइनस वाई, अपस्ट्रीम कितना गया हो 30 किलोमीटर गया, टाइम कितना लग गया टी वन, ठीक है। आपां हुण की इधर डिवाइड जाए इधर मल्टीपल च हो जाएगा टी वन, ते आ एक्स माइनस वाई पूरा मल्टीपल च इधर आके डिवाइड, जस्ट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, टी वन इज इक्वल टू 30 बाय एक्स माइनस वाई। इसे तरीके नाल डाउन स्ट्रीम दी वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, हाँ सिमिलरली दा सिंबल है, पैरेलल लाइंस दो पाके एल वाई लिखे, सिमिलरली डाउनस्ट्रीम च की फर्क पएगा, डाउनस्ट्रीम दी स्पीड हैगी एक्स प्लस वाई, कितना गया डाउनस्ट्रीम 44, ते टाइम कितना लग गया टी टू, फ्रॉम हेयर टी टू कितना आ जाएगा, उदा ही जिवें आपां इंटरचेंज कीतियां सी प्लेसेस, 44 प्लस एक्स 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। टोटल टाइम टेकन कितना है, 10 आवर्स। सो टी वन प्लस टी टू कितना हो गया, मतलब के टोटल 10 होना चाहिए टाइम टेकन अपस्ट्रीम टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम, टोटल मिला के 10 घंटे लगे उन्हें ऊपर जाके थले मुड़न दे। अपन टी वन भी कटे है टी टू भी कटे है, कटे है ना फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इसे आ जाएगा एट ई वन की जगह पे 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस दूसरा आ जाएगा 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 आवर्स। ये आ गई अपनी इक्वेशन ए केस वन दी। इस तरीके नाल केस टू विच आपां की करांगे, ओह हुण तुसीं देखो सेम चीजा सारिया चलनिया ने, बट आप सिमिलरली करके वी गेट केस टू आप उदा लिखा, मैं तुम समझा देना सेम दूजे केस दे विच की होगा। देखो 13 घंटे मतलब कि 10 की जगह से 13 आवर्स आ जाएंगे, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, इतने अपस्ट्रीम सी 30 इतने आ जाएगा 40, 30 जगह से 40 आ जाएगा एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 की जगह से 55 आ जाएगा, ठीक है। अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो उन्नी रहेगी केस सैकेंड के करना सारा कुछ यही है, बट बस ये अपनी इक्वेशन में थोड़ी चेंजेस आ जाएंगी। सो द्वारा द्वारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली करके आप लिखेंगे, सिमिलरली इन द केस सेकंड वी कैन गेट आप वैल्यूज लिखेंगे सीधिया, सिमिलरली फॉर केस टू दूजे केस की होगा अपस्ट्रीम इतने 30 सी पहले केस, दूजे केस कितना आया 40, तो 30 की जगह 40 आ जाएगा, नीचे वाला सेम स्पीड तो होनी हुई है प्लस दूसरा केस आ जाएगा 55 डाउन स्ट्रीम है 55 है पहले किसी का 44
44 दिखा रही, 55 आ जाएगा, इज इक्वल टू 13 आवर्स लगे टोटल, पहला 10 घंटे लगे थे, ना 13 लगे हैं। सो ये आ गई अपनी इक्वेशन बी, पहली इक्वेशन भी आ गई, दूजी भी आ गई। हुण इत्थे तक दा पूरा स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, आपां आ दोनों इक्वेशनस इत्थे लिख के इन मैं तुहानू सॉल्व करके दिखाना पूरी नूं, ठीक है, किद्दां करना है, क्योंकि इहदे विच इह हुण एक होर तरह दा अपने कोल सम आ गया, ठीक है, इह मतलब एक तरह ना दो वारी सॉल्व होना। सो इह इत्थे तक नोट करो पहलां स्क्रीन पॉज करके। सो अपना क्वेश्चन इत्थे तक सॉल्व होया सी, आपां दो ही क्वेश्चनस कढ़ियां सी, है ना, तो मैं इक्वेशन दोबारा इत्थे लिख लईआं ने, हुण सॉल्व किद्दां करना। देखो दोनों कॉमन चीज की है, 30-40 तो है नहीं, मतलब कि नीचे वाला डिनोमीनेटर कॉमन, ए नीचे वाला डिनोमीनेटर कॉमन है। सो दैट मीनस असी 1/x-y पुट करना कुछ, तो 1/x+y कुछ पुट करना, कोई होर वेरीएबल का नाम देना है। तो आप करना लैट 1/x-y पुट कर लें, सपोज आप अलग अलग वेरीएबल यूज करते हर बारी, तो इस बारी आप ला लें xy यूज कर चुके हैं, बी यूज कर चुके हैं, ए बी कर लो, चलो ए इन्हों ए पुट कर लिया, तो 1/x+y बी पुट कर लिया। मैं तुम्हें दसिया हौली हौली तुम अपने आप पता लगन लग जाना कि आप इन कि लिखना, बा अलग अलग करके लिखने की जोड़ नहीं पैंती, जिम्मे आप पहले लिखते 30 × 1/x-y, ठीक है, जे इन्हों नहीं मतलब हाले समझ लगती है लिख सकते इदा, अदरवाइज जिन्होंने पता लग गया वह सीधा भी लिख सकते हैं लाइक दिस। तो देखो 1/ जे आप 30 × 1/x-y लिखते तो 30 ए आना सी पहली क्वेश्चन, सो वी गैट 30A+44B=10। दूजी च की आना 40A+55B=13। सो ए आ जाती है अपनी इक्वेशन ए, तो ए आ जाती है बी, ठीक है। देखो एलिमिनेशन मैथड मैं ईजी लगता, ना थोड़ी जगह भी घट है, जल्दी हो जाता है, तुसी जिहड़े मर्जी मैथड ना सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करो चाहे सब्स्टिट्यूशन ना करो, दैट इज योर चॉइस। हुण देखो आप इन्हां नूं सेम करना है, तो दोनों च मल्टीपल 10 तो है ही है ना, मतलब कि 30 है 40 है, सो आप इन्हां नूं सेम करना, इन्हां दोनों का एलसीएम लिया 30 आंदा 120, सो 30 नूं 120 बनाने लई की चाहिए सानूं, 3 × 4 = 12, मतलब कि 4 ना मल्टीपल चाहिए पहली इक्वेशन, दूजी इक्वेशन का देना चाहिए 3 ना मल्टीपल, ता ही 120 बनेगा। सो आप की करांगे बाय 2 एलिमिनेशन मैथड, मैं पहली इक्वेशन जी ए है उन्होंने कर रहा हूं मल्टीप्लाई कादे नाल, 4 ना कीता सी ना, ते दोनों दे मतलब साइंस भी सेम है, तो माइनस करनी है आप इक्वेशन, माइनस सैकेंड इक्वेशन आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 3, तो पहली इक्वेशन पूरी आप 4 ना मल्टीप्लाई करते जाना है, इनू कीता 4 ना पहला, ठीक है, इट बिकम्स 120A+44 नू कीता कदना आप कर रहे हैं 4 ना कर रहे हैं 44 नू 4 ना, वैसे 44 नू 4 ना मल्टीप्लाई करना सौखा ही है, पहला 40 नू 4 ना करो, 4 × 4 = 16, 160 तक पहुँच गए, फिर अगे 4 नू करो 4 ना, 4 × 4 = 16, सो 160 + 16 कितना बन जाता 176 इतने आ जाएगा नाल बी, तो 10 किया 4 नाल तो 40 आ जाएगा, ये सिंपल ही है। दूसरी इक्वेशन दे विच भी 3 किया 40 नाल तो 120A+55 किया 3 नाल, ये भी सौखा है, 50 3 ना करो 150 आता, फिर 5 3 ना करो 15 आता, सो 150 दे विच 15 प्लस किते 165 आ जाएगा इंटू बी। इतने भी देखो आप उपर वाले भी 4 ना सारे मिल गए, थले वाले भी आप 3 ना कर रहे तो पूरी 3 ना कर रहे, 33 = 39, इनू कर देंगे आप सबट्रैक्ट, आ कटे गए बचिया की 176 चो 165 माइनस किए तो कि आ जाएगा 11B, 39 चो 40 मतलब 40 चो 39 गए 1, सो बी कि आ गया 1/11। सो इदा ही आप हूँ ए की वैल्यू कटनी, ए पुट कर दो, ए च पुट इन ए इक्वेशन, ए पुट किया 30A+44B की वैल्यू 1/11 =
टेन आ कटिंग होगी, फोर पे चल गया तो ये बच गया 38, फोर अच्छा फोर बचे ना, फोर उधर आके माइनस आ जाएगा 10 माइनस फोर ए इज इक्वल टू 13 मल्टीपल जाए ए नाल, तो 10 चो 4 गए तो 6 बचिया, तो 30 जो मल्टीपल सी गया डिवाइड च आ गया, तो 6 5 तो 30 1 बाय 5 आ गया ए ए ते बी दी वैल्यूज आ गई अपने को। बट हुण देखो आपां पुट की कीता सी इहनां नूं उहदे हिसाब नाल इहनां दी वैल्यूज चेंज होनी चाहीदियां ने, बट ए की सीगा 1 बाय एक्स माइनस वाई सीगा, ए की वैल्यू कितनी आई है 1 बाय 5, 1 बाय 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, सो 1 बाय 5 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस वाई, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स 1 इंटू एक्स माइनस वाई तो 1 इंटू 5 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, यह इतने लिख देना अगे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाना, ठीक है। दूसरी आप देखनी इक्वेशन ऑलसो बी कि अपना 1 बाय एक्स प्लस वाई सी, तो बी की वैल्यू कितनी आई अपनी 1 बाय 11, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो की बन जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11, सो एक इक्वेशन आ गई अपने को, एक इक्वेशन आ गई, दो होर आ गई, इन्हों भी फर्दर सॉल्व करना, पहला आप एक इक्वेशन सॉल्व करके ए ते बी की वैल्यूज कढ़ियां, हुण अगे फर्दर फिर एक होर इक्वेशन आ गई अपने को, इन्हों आप पहला ए ते बी लिया हूँ आप सी ते डी ले लैने, इक्वेशन सी इक्वेशन डी सौखा ही है, हूँ तो एक्स ते एक्स पहले ही सेम ने, जां तां माइनस कर दिओ ते जां फिर वाई ते वाई भी सेम ने, बस ऑपोजिट साइन ऐड कर दिओ, एक्स ते वाई दीआं वैल्यूज अपने आप कर जाणियां ने एलीमिनेशन मैथड दे नाल, तो तुहाडी चॉइस आ चाहे एलीमिनेशन मैथड दुबारा फिर ला के कर दो चाहे होर किसी मैथड नाल कर लो, बाकी दीआं वैल्यूज जिहड़ियां एक्स ते वाई दीआं अपने आप कढ़नी है, जदों एक्स दी वैल्यू जो भी आएगी तुहाडी ओह की होएगा स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट सी ना आपां लिखांगे सो स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू जो एक्स दी वैल्यू आएगी ते स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो वाई दी वैल्यू आएगी किलोमीटर पर आवर, ये अपने आप कढ़नी है वैल्यूज अपने आप कढ़नी है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, चार नंबर च बहुत वारी आया पेपर च, इहनू अच्छी तरह नाल सॉल्व कर लो, ठीक है नोट कर लो। नैक्सट साड़ी एक्सरसाइज 3.6 तो जी स्टार्टिंग होंगी है एग्जाम्पल तो बाद, ये की है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, वैसे पूरी स्टेटमेंट के सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग दैम इन टू लीनियर इक्वेशंस, सो क्वेश्चन जोड़ा पेपर के आना कला सॉल्व लिख के तो थले इदा लिख देंगे, बाकी आपे तुम देखो भी किदा करना किदा नहीं, पूरी स्टेटमेंट इदा नहीं लिखी होंगी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ मतलब एक आ क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करा तो बाकी मैं थोड़े थोड़े एक्सप्लेन कर देना कि किमें कई जिक्र डाउट हो गए, तो फस्ट क्वेश्चन देखो 1 बाय इतने 2 है इतने 3 है, 1 बाय 2 एक्स है इतने 1 बाय 3 एक्स है, कॉमन की है कला एक्स एक्स है, 1 बाय 2 ते 3 2 ते 3 अलग अलग ने, तो ये की करा आप 1 बाय एक्स पुट करा 1 बाय एक्स में 1 बाय वाई जो पुट करना सम लाइक दिस, हाँ देखो पहली इक्वेशन कितना लिखा 1 बाय 2 अलग तो 1 बाय एक्स अलग, ठीक है प्लस 1 बाय 3 अलग तो 1 बाय वाई अलग इज इक्वल टू 2, तो दूजी इक्वेशन कितना आ जाएगी 1 बाय 3 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 बाय वाई इज इक्वल टू 13 बाय 6, सो इन्हों आप सपोज मैं 1 बाय एक्स यू तो 1 बाय वाई वी पुट करता तो इक्वेशन की बन जाएगी कि जगह पर आ जाना यू, मतलब कि यू जरा उपरले पास है यू बाय 2 बन जाना है ना यू इंटू 1 यू अपॉन 2 क्योंकि 2 नीचे से ना 1 बाय एक्स जगह तो यू भर दिता प्लस वी बाय 3 हो जाना इज इक्वल टू 2, तो दूजी इक्वेशन ने की बन जाना 1 बाय एक्स की जगह तो इतने आ जाएगा यू उपरले पास तो नीचे 3 रह जाएगा u बाय 3 प्लस v बाय 2 इज इक्वल टू 13 बाय 6, इन्हों का हम एलसीएम लैके पहले सिंपल इक्वेशन बनाओ इन्हों दी जिवें आप पहला करते आ रहे हैं, कुछ इक्वेशन होंगे सी जिहड़ी सिंपल नहीं होंदी पहला बनाते सिंपल करके फिर इन्हों सॉल्व करना है, ठीक है इन्ना के नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके।
ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋਲਵ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, 4 × 1/x ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 3, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 3y ਹੈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 3 × 1/x ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 4y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 23। ਸੋ y ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ 1/x ਨੂੰ u ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ u, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 4u ਪਲੱਸ 3y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 14 ਅਤੇ 3u ਮਾਈਨਸ 4y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 23। ਇੱਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਯੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਨੇ। ਸੋ 1/x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਤੇ 1/y ਮਾਈਨਸ 2 ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਯੂ ਅਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5p, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5p ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 6p ਮਾਈਨਸ 3q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਐਕਸ ਅਤੇ ਰੂਟ ਐਕਸ, ਰੂਟ ਵਾਈ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੁੱਟ 1/√x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂ, ਅਤੇ 1/√y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ, ਹਾਂਜੀ, 2u ਪਲੱਸ 3v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 4u ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 9v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 1। ਸੋ ਜਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ 2 ਜਾਂ 4 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਜਸਟ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ 4u ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਅਤੇ 2। ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਨੂੰ ਜਸਟ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, 4u ਪਲੱਸ 6v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਆ ਕੱਟੇਗੇ 6 ਅਤੇ 9 ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ 15v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5/15, 1/3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਥ੍ਰੀ ਇੰਟੂ 1/3, ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/3 ਹੈ ਨਾ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਹਾਂ, 3 ਨਾਲ 3 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਮਾਈਨਸ 1, 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, ਅਤੇ ਇੱਧਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਲਟੀਪਲ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਆ ਗਈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਬਟ ਯੂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 1/√x, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 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 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/√x, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ √x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਇੱਧਰ ਰੂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਸੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 1/√y, ਅਤੇ ਬਟ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 1/3, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ √y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਇੱਧਰ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਕੇਅਰ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ठीक है, इन्हें नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन दे, बाकी दे चार पार्ट्स आए हैं, उसके बाद फिर तीन क्वेश्चन ही होर रहेंगे या फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बट आप वीडियो के सिर्फ इतना की करा, नैक्सट वीडियो नैक्सट थ्री सम्स स्टेटमेंट वाले थे, नैक्सट एक्सरसाइज भी कोशिश करा सारी कर दईए, ऑप्शनल एक्सरसाइज है वैसे, बट वो करनी होंगी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के कितों भी क्वेश्चन आ जाता। तो देखो सिंपल है, पहला तो आप वाले क्वेश्चन बाद डिस्कस करते हैं, मेरे को उल्ट लिखोगे, एट्थ पहला लिखा मैं सैवंथ बाद लिखे, तो कंफ्यूज नहीं होना सैवंथ आया एट्थ आया, ठीक है। तो आप की करना, मैं दस ए दसन लगा, वन बाय थ्री एक्स प्लस वाई, वन बाय थ्री एक्स माइनस वाई, ए भी देखो वन बाय थ्री एक्स प्लस वाई, वन बाय थ्री एक्स माइनस वाई, पुट किन करना है वन बाय थ्री एक्स प्लस वाई यू ते वी, ओके इन यू पुट कर लो, इन वी पुट कर लो, तो इतने की आ जाएगा साढ़े को यू प्लस वी इज इक्वल टू थ्री बाय फोर, तो दूजी इक्वेशन की बन जाएगी क्योंकि नीचे टू भी है ना, तो बनेगा यू बाय टू माइनस वी बाय टू इज इक्वल टू माइनस वन बाय एट, क्योंकि ये भी नाल डिवाइड च टू है ना, सो ए चीज तो आप पूरी वी गुड कर ली, नीचे टू रह गया, नीचे ही रहेगा उपर नहीं आता होंगे वो, सो दूजी पहली क्वेश्चन आ दूजी आ बनेगी, इन सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ये भी अपने आप करना है। उस तो बाद ए वाला क्वेश्चन भी पता लग रहा है, ये टेन से फिफ्टीन अलग अलग ने, एक्स प्लस वाई उपर है दोनों च है वा, एक्स माइनस वाई तीन च है वा, इन्हों वन बाय एक्स प्लस वाई यू पुट करना है, वन बाय एक्स माइनस वाई वी पुट कर लो, और पी और क्यू या ए और बी जो तुम पुट करना चाहते हो इन्होंने पुट करके फिर अगे आप जिम्मे अगे सॉल्व करते आए हैं, या मैं दसिया पहला उदा करना है। आ वाले क्वेश्चन दे मैं तुम दस दिना, इन्हों सिंपल कर देंगे, इक्वेशन सिंपल तक लै जाएगा, बाकी तुम अपने आप करना है, ठीक है, एक तरह ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ता करके मैं क्वेश्चन में छड़ रहा, जे सारे क्वेश्चन मैं ही कर दाँगा मैंने तो आते हैं फिर तुम प्रैक्टिस कितना करोगे। सो इसलिए पहले क्वेश्चन देखो आप चेंज करना वा, सिंपल बनानी है, नीचे एक्स वाई, एक्स वाई है ना, सो सैवन के नीचे भी एक्स वाई लिख दिता, माइनस टू वाई के नीचे भी एक्स वाई लिख दिता इज इक्वल टू फाइव, नीचे जो एक्स वाई एक सीगा दोनों के नीचे एक एक लिख दिता, यह किमें हो गया उल्ट स्टैप चले आप, जिमें होंगे नहीं है वन बाय थ्री प्लस सैवन बाय थ्री, सपोज आप इदा करते होंगे तो इन्होंने की करते हैं नीचे एक थ्री कॉमन लिखते हैं, वन प्लस सैवन इदा लिख देने है ना, हूँ आप किया इदा ए स्टैप तो उल्ट चले हैं, पहला देख ए स्टैप दे विच की है थ्री दोनों के थले है, ठीक है, उल्ट की किया दोनों के थले एक एक थ्री लिख दिता, मतलब उल्ट चले हैं स्टैप, जेडे स्टैप तो आप इतों की इदा आने होंने ना एलसीएम लैके सोल्व करके, इधरों की उल्ट चले हैं, बस इतों की उल्ट लिखे मैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, एक्स ना एक्स कैंसल हो गया, वाई ना वाई कैंसल हो गया, तो साड़ी को इक्वेशन की बन गई फिर पहली सैवन बाय वाई माइनस टू बाय एक्स इज इक्वल टू फाइव, इस तरीके ना दूजी इक्वेशन की बनेगा एट एक्स के नीचे भी एक्स वाई प्लस सैवन वाई के नीचे भी एक्स वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन, एक्स ना एक्स कैंसल वाई ना वाई कैंसल, सो पहली इक्वेशन की बन गई एट बाय वाई, दूजी इक्वेशन की बन गई सैवन बाय एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन, हम ऐसा के क्वेश्चन तो तुम किए हैं ना, वन बाय वाई नू कुछ पुट कर लो, तो वन बाय एक्स नू कुछ पुट कर लो, ए और बी पुट कर लो, यू और वी पुट कर लो, पी और क्यू पुट कर लो, जो तुहाडी चॉइस है, इनू अगे सॉल्व करना पता लग जाएगा ना किदां कीता। नैक्सट ए क्वेश्चन च की किया हो जस्ट जो एक्स वाई इतने नीचे है ना वो इधर लिया हो, बस होर कुछ नहीं है, देखो एक्स वाई इधर मल्टीपल चाह इधर पूरी इक्वेशन दे डिवाइड चा जाएगा एदा ही एदे विच भी एदा ही, फाइव रह जाएगा, तक आ चीज एदे वर्गी नहीं बन गई, देखो आ दोनों इक्वेशन एदे वर्गियां नहीं बन गई, बाकी प्रोसीजर आई वाला फॉलो करना है, इन्हां च हुण एक्स वाई दोनों के थले अलग अलग लिख देना वा, ये पहले वाले एक्स एक्स कटे जाएंगे, दूजे वाले वाई वाई कटे जाएंगे, आही चीजा बन जाएं एंड इक्वेशन जो इतने बनिया ना इदा दक्वेशन एदियाँ अगे जाके बन जाए, ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी तुम आप करना है। सो इस ही थोड़ी जी अज की वीडियो है ये मैं अच्छ खत्म कर रहा इतने, तो नैक्सट वीडियो में आप मैं तुम दसिया कि नैक्सट जो तीन स्टेटमेंट समझ रहे इस एक्सरसाइज वो करा, तो नैक्सट एक्सरसाइज के भी कुछ जिन्हें भी समझ अपने को हो सकते हैं वो भी आप कंप्लीट करा, ठीक है, तो जिन्हें भी हाले तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसक्राइब जरूर कर दौ, तो ठीक ता जो असी अगे दी अगे तुहानू मैं जो भी वीडियोज़ पावां तो तुहानू नोटिफिकेशन मिलदियां रहण, तो तुसीं फॉलोअप करते रहो क्योंकि घर बैठिया तो अजकल लॉकडाउन के घर बैठिया तो आप होर कुछ नहीं कर सकते, वीडियो लैक्चर्स देख सकते हैं,
सो अपनी जी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ठीक है। 10th क्लास वास्ते ते 9th दी भी मैं बढ़ाना वा वीडियोस वैसे, ठीक है। सो कंटिन्यू योर स्टडीज। तो अज मैं थोड़ा लैक्चर है जो इतने खत्म कर रहा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंस्पायर अकैडमी सिमरनजोत सिंह। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।